अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मैं जमील अहमद और आप देख रहे हैं वन ऑटो ऑल राउंडर। दोस्तों मेरे पास एक आज बाइक आया है चाइना का, जिसका मैग्नेट कवर होता है वो लूज है, इसका एक काबला बिल्कुल स्लिप हुआ हुआ है। तो दोस्तों उसका काबला स्लिप हुआ, उसको टायर्ड करते हैं, वो टायर्ड नहीं होता। दोस्तों अगर आपके भी मोटरसाइकिल का यही मसला है, अगर साइड जो मैग्नेट कवर होता है इसका बाहर वाला जो काबला अगर स्लिप हो जाए, उसके साथ आप क्या जुगाड़ करेंगे, क्या टेम्परेरी आप कहते हैं कि हमने इतना खर्चा नहीं करना, कम खर्चे में हमने अपना काम बिल्कुल ज़बरदस्त करवाना है, तो आप किस तरीके से उसको ठीक करेंगे। दोस्तों वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करते करते जाइएगा, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको मजीद इस तरह की अपडेट्स मिलती रहें। चलते हैं दोस्तों मोटरसाइकिल तरफ और आपको बताते हैं क्या मामला है और किस तरीके सही होता है। अच्छा दोस्तों ये हमारे पास मोटरसाइकिल है, स्पीड बाइक है, तो आपका स्पीड हो या जो मर्जी हो ठीक है, तो इसका मैं आपको काबला चेक करा दूँ। ये हमारा काबला है, अब ये देखिए काबले की चूड़ी बिल्कुल मतलब है कि सही है, बिल्कुल इसमें कोई मसला नहीं है, काबले की चूड़ी स्लिप नहीं है। काबले की चूड़ी अगर आपकी स्लिप नहीं है फिर भी आप यहाँ पे इसको लगाते हैं, देखिए इसको मैं यहाँ लगाता हूँ कि पहले तो सीधी बात है सारा ही देखिए अंदर ही चला जाता है बिल्कुल ही ठीक है, ऐसे ही मतलब टाइट करने के बगैर ही अंदर चला जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ टाइट करके भी, और ये टाइट भी नहीं होता, ये देखें ज़रा इसको मैं घुमाता हूँ, ये वहीं पर घूमता रहता है ठीक है, मतलब है कि ये बिल्कुल अब स्लिप हुआ हुआ है। ये अंदर इसके जो अंदर चूड़ी होती है ना दोस्तों, इसके अंदर यहाँ चूड़ी होती है टायर इसके इंजन के पल्ले के ऊपर, तो चूड़ियों का स्लिप हो जाती है। इसके दो हाल होते हैं, या तो हमें बुश लगवाना पड़ता है, इधर 10 नंबर का बुश लगवाएंगे, खराजी के पास जाएंगे वो तकरीबन 350-350 रुपये ले लेगा। अगर आप कहते हैं नहीं यार हमने बुश नहीं लगवाना, हमने बगैर पैसों के इसको सही करना है, फिर आपने क्या करना है दोस्तों, आपने इस तरह का थोड़ा ले लेना है, देखें ये थोड़ा आपको नज़र आ रहा है ठीक है, एक थोड़ी ले लेनी है और ऐसी ले लेनी है जो आपने खुद बनाई हो ठीक है। ये मैंने खुद ही वो साइकिल का क्रैंक होता है वो वेल्ड किया हुआ है, और इस काबले को आपने प्लास से पकड़ना है ऐसे करके ठीक है, ऐसे थोड़े को आपने रखना है और इसको यहाँ से आगे से आपने पंच करना है ठीक है, थोड़ा सा इसका साइज खुला करना है, मोटा करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसको आगे से प्रेस किया है, थोड़ा सा प्रेस करने का मकसद ये होता है कि हमारा साइज थोड़ा सा खुला हो जाता है, मतलब है कि पहले अगर 10 mm का था ये तो 10.5 का हो गया होगा, 11 का हो गया होगा ठीक है, इसका काबले का साइज ठीक है आगे से चूड़ी। तो दोस्तों आप लगा के इसको चेक कराता हूँ आपको, सामने हमारे पास ये मोटरसाइकिल है, आप देखते हो इसी से पहले तो मैंने डाला था अंदर, सीधा अंदर चला गया था बिल्कुल, अभी देखें ये यहाँ पर आके रुक गया है ठीक है। अब इसको मैं टायर करता हूँ, ये दोस्तों इतना है कि आपका चूड़ी बनाने मतलब 350-350 रुपये बच जाता है, कोई इसमें मसला परेशानी नहीं होता। तो ये देखिए अभी मैं टायर कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल मतलब है कि अच्छे तरीके से टाइट हो गया, अभी और है ये देखिए यहाँ से पल्ला बिल्कुल साथ जुड़ जाएगा, आपको मैं थोड़ा सा करीब करके दिखाता हूँ, अभी आपको सही नज़र भी आएगा, ये देखिए अभी पल्ला हमारा बिल्कुल साथ टच हो गया, जो इसका मैग्नेट कवर था ये टच हो गया और ये हमारा सही अच्छे तरीके से टाइट हो गया ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मतलब है कि ये ज़बरदस्त तरीके से टाइट हो गया, अभी इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है। अगर आपके भी बाइक में यही मसला होता है, अगर इसके अंदर ये जो पल्ला होता है ना, पल्ला साफ होना, ये पल्ला क्रैक ना हुआ वो अंदर वाला ठीक है, बाज़ पल्ले क्रैक हो जाते फ्री वाला जुगाड़ आपका नहीं चलता, फिर आपको खरादी से जाके बुश लगवाना पड़ेगा, चूड़ी बनवानी पड़ेगी, वो लंबा काम है। तो इस सिलसिले में दोस्तों मैंने शॉर्ट सी वीडियो बनाई है, मैंने कि अपने दोस्तों के से मेरी वीडियो देख के फायदा हो जाए। तो वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मजीद इस तरह की अपडेट्स मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।